Hello children, today I am going to explain the ship of the desert. तो बच्चों ship जो word है ये पहले भी हमारे lesson में आ चुका है. तो ship मैंने क्या होता है? जहाज. Of the desert. अब desert जो है desert, यहाँ पे इस वाली desert का मतलब है रेगिस्तान, यानी कि जहाँ पे बहुत गर्मी होती है. हमारे इंडिया में भी रेगिस्तान है, राजस्थान में है, और राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? बालू, मोटी मोटी सी होती है, और बहुत जब गर्मी होती है तो बिल्कुल हॉट हो जाती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. लॉयन, रोरिंग, हु आर यू, दहाड़ते हुए पूछ रहा है तुम कौन हो. कैमल, लुकिंग डाउन एट द लॉयन, लॉयन को देखता है नीचे, क्योंकि कैमल तो बहुत ऊंचा होता है ना. आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. कैमल जो ऊंट है वो कह रहा है कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. हु आर यू, तुम कौन हो. लॉयन, डोंट यू नो मी, तुम मुझे नहीं जानते. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ. अब कैमल कहता है आर यू, ओह आई सी, तुम हो, मैंने देखा. लॉयन, फ्रोइंग, यानी कि त्योरी चढ़ गई उसकी ना, उसने ऐसा क्यों कहा. अब वो कहता है यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो. हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल, तुम एक शिप कैसे हो सकते हो, तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो, तुम तो एक जानवर हो. कैमल स्माइलिंग, वो मुस्कुराकर जवाब देता है सो आई एम, वो तो मैं हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन मुझे लोग कहते हैं रेगिस्तान का जहाज. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, मैं जो बहुत गर्म दोपहर को जो बहुत गर्म होता है तब भी मैं रेगिस्तान में चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी, जो रेत है, जो बालू, वहाँ की मिट्टी, रेत, सैंड कहते हैं ना उसे, वो बहुत गर्म हो जाती है लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है. अब लॉयन कह रहा है आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता. कैमल कह रहा है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम कभी रेगिस्तान में चले हो. लॉयन ब्लिंक, अब ऐसे अपनी पलके झपकाता है, कहते नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, नहीं मैं नहीं चला हूँ लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ. कैमल विज डिस्टेन, डिस्टेन मैंने ऐसे एटीट्यूड दिखाते हुए, किसान एटीट्यूड दिखा रहे हो, कह रहा है एवर एनिमल कैन डू दैट, सभी जानवर ऐसा कर सकते हैं. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, केवल मैं ही अकेला हूँ जो कि सैंड पे, बालू पे दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं एक घंटे में सैंड पे, बालू पे कितना दौड़ सकता हूँ, एक घंटे 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर, यानी कि आप अपने घर से देखिए 25 किलोमीटर दूर में कौन सी जगह आती है, तो वहाँ वो सिर्फ एक घंटे में पहुँच सकता है. अब लॉयन कहता है वंडरिंगली, मतलब लॉयन को क्या होता है, आश्चर्य होता है, और हाउ कैन यू डू दैट, अब उनमें क्या होती है, दोस्ती हो जाती है, उन्हें लगती है, तो उससे क्वेश्चन करता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. कैमल कहता है लुक एट माई फिट, मेरे पैर देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, यहाँ पे देखिए ये दिख रहे हैं आपको थिक और पैडेड, ये कैमल है, कैमल के क्या है, फीट है, जो कि थिक मैंने मोटे हैं, और देखो पैडेड यानी गद्देदार हैं. द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, जो गर्म बालू है वो उसको जलाती नहीं है. लॉयन कहता है माई फिट आर पैडेड टू, मेरे पैर भी गद्देदार हैं. थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, थॉर्न्स यानी कि जो कांटे हैं वो उसे प्रिक, यानी कि उससे छुपते नहीं हैं, इतने गद्देदार हैं कि उसमें कांटे छुपते नहीं हैं, और मैं एक घंटे में 80 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ. अब आप फिर इमेजिन कीजिए 80 किलोमीटर कहाँ पड़ता है आपके घर से, और उतना वो सिर्फ एक घंटे में दौड़ के पहुँच जाएगा. कौन, लॉयन, कहाँ पे, फॉरेस्ट में, और कैमल सैंड में, हर जगह नहीं दौड़ते हैं वो,
हर जगह दौड़ सकते हैं पर उनकी स्पीड उतनी नहीं रहेगी। अब कैमल कह रहा है दैट इज़ ट्रू, यह सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द सैंड हॉट सैंड। ये सच है कि तुम 80 किलोमीटर दौड़ सकते हो जंगल में, क्या तुम गर्म रेत में एक माइल भी चल सकते हो, एक माइल भी दौड़ सकते हो? लॉयन कह रहा है मे बी नॉट बट, लॉयन कहता है नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो बोलता ही है। तभी उसको कैमल इंटरप्टिंग बीच में रोक देता है, बीच में उसकी बात को इंटरप्ट करता है, ठीक है। और वो कहता है एंड यू कांट लिव विदाउट वॉच फॉर अ वीक कैन यू, क्या तुम पानी के बिना रह सकते हो एक हफ्ते तक, ऐसा क्या तुम कर सकते हो? लॉयन कह रहा है नो आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नीड वॉचर एवरी डे, मुझे रोज़ पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वॉचर, लेकिन मुझे ऐसा मत कहना कि तुम पानी के बगैर रह सकते हो। अब कैमल कह रहा है यस, हाँ आई कैन, मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में कोई भी रिवर नहीं है और कोई भी लेक झील नहीं है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक समय में 200 बोतल तक पानी पी सकता हूँ। अब देखो रिवर जो होती है, ये रिवर है, रिवर का जो पानी होता है वो बहता है, रिवर माने नदी, और वो माउंटेन से निकलती है और वो बहते जाती है, यानी कि पानी उसका रुकता नहीं है, जाके समुंदर में मिलती है। और जो लेक होती है उसका पानी क्या होता है, रुका हुआ होता है, कभी लेक बन गई होगी और बहुत ना, तो इसके बनने के कई रीज़न होते हैं, बट लेक का पानी क्या होता है, रुका हुआ होता है, और उसे हम बोलते हैं झील। तो रेगिस्तान में लेक और रिवर जो है, रिवर तो है नहीं बट लेक भी जो है वो बहुत कम है। तो जहाँ पे सैंडी ये हॉट ये डेजर्ट मिलते हैं तो वहाँ पे तो लेक है ही नहीं। लॉयन कहता है रियली, वास्तव में यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तुम्हारा जो पेट होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। अब कैमल को भी प्राउड थोड़ा घमंड हो जाता है, वो कहता है यस हाँ आई हैव अ बिग स्टमक, मेरा बहुत बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते तक पानी को उसमें स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इवन, और जबकि मैं खाना तो 2 हफ्ते तक रख सकता हूँ। अब लॉयन सोइंग अ लॉट इंटरेस्ट, अब उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है उसके पे कैमल की बातों में, ठीक है, और उससे खूब बातें करने लगता है वो। अब वो कहता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में खाने को रखते हो, स्टोर करते हो? अब कैमल कहता नो आई डोंट, मैं ऐसा नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे कहाँ स्टोर करता हूँ? देखिए कैमल जो है यहाँ पे इसका हम्प दिख रहा है, हम्प मैंने होता है ये ऊपर वाला हिस्सा कूबड़, ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे अपना खाने को क्या करता है, स्टोर करता है, कौन? कैमल। तो जब उससे लॉयन पूछ रहा है कि तुम खाने को कहाँ स्टोर करते हो, तो कहता है मैं खाने को हम्प में, यानी कि जो कूबड़ वाला पार्ट है वहाँ स्टोर करता हूँ। ओके, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक समय में, सिर्फ एक समय में बहुत सारा खाना खाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ fortnight, और मुझे उसके बाद, fortnight मैंने क्या हुआ, 14 रात यानी कि 15वां दिन, तो मुझे 15 दिन तक, fortnight मीनिमम 15 days, मुझे 15 day तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होती है। लॉयन कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्ट वाली बात है भाई, बहुत ही इसमें तो उसे बहुत मज़ा आता है, कहता है बहुत रोचक बात है। बट वट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो? अब कैमल कहता है आई ईट लीव्स, मैं पत्तियाँ खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में तो कोई पेड़ है नहीं। लॉयन कहता है वट डू ईट देयर, तो तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट है रेगिस्तान है वहाँ थॉर्नी मतलब कांटेदार बुश होते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको पिक्चर में दिखाया है थॉर्नी बुशेस, यहाँ पे दिखाया है ना, इसमें क्या है, ये जो बुश दिख रही हैं इसमें कांटे लगे हैं, और वो कह रहा है कि मैं क्या खाता हूँ, थॉर्नी बुशेस कांटेदार झाड़ियाँ खाता हूँ। आई ईयर द थॉर्न्स, मैं उन क्या खाता हूँ, कांटा खाता हूँ, कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, जो मेरे उसकी जो टंग होती है बहुत मोटी होती है, तो कहते मेरी जो मोटी टंग है उसमें जो थॉर्न्स है वो चुभते नहीं है, क्योंकि मोटी है तो उसमें चुभते नहीं है। लॉयन कहता हाउ फनी, उससे कितना मज़ा आ रहा है, कहता वाह बहुत मज़े की बात है। तो
कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। वो कहता है जंगल के राजा मेरे साथ कृपया करके रेगिस्तान में आओ। लोगन कहता है नो आई वुड बेटर नॉट, मुझे तो वहाँ जो है अच्छा नहीं लगेगा, और आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड क्योंकि मैं तो जो गर्म रेत है उसमें मैं चल नहीं सकता हूँ, और आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड इवन आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं फूड खाने को और पानी को स्टोर भी नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो जो ये थॉर्न्स होती है जो कांटे होते हैं से भी नहीं खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक, कहता अच्छा अच्छा गुड बाय अलविदा और बहुत मतलब आगे के लिए बेस्ट विशेस गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। अब उसे लॉयन भी कह देता है कि मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के जहाज। ओके तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई स्टोरी। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं, कैमल को कहते हैं यानी कि रेगिस्तान का जहाज। माइल्स मैन अमील किंग ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जंगल का राजा लॉयन, और जंगल का राजा लॉयन हो गया। सैंड मैन बालू थॉर्न्स मैन कांटे, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते। ओके फर्स्ट है व्हाई इज द कैमल कॉल द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को क्यों कहते हैं शिप डेजर्ट का। ओके तो कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज कैमल कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प, कितने हफ्ते तक वो खाने को रख सकता है। हमें चैप्टर में आया था ना तो कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह तक के लिए वो रख सकता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट, वो डेजर्ट में क्या खाता है। कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, कांटेदार झाड़ियाँ खाता है। और फोर्थ है चूज द राइट आंसर, इसमें राइट आंसर चूज करना है। फर्स्ट नेम ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट, नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट इसका सी है कैमल, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इसका ए लॉयन, द फीट ऑफ द कैमल आर क्या खाता है वो, उसके सॉरी उसके फिट उसके पैर कैसे होते हैं, फिट पैडेड थिक एंड पैडेड, तो उसमें ए है थिक एंड पैडेड। नेक्स्ट है देयर आर नो रिवर और लेक इन कहानी होती डेजर्ट में, इसका डी है। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक कितना भी था ए 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट है सिक्स अ कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स कहाँ रखता है वो हम में, तो उसका बी है। ओके तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बाय।